जिंदगी और खेल, गजब का है मेल, खेल से है मोहब्बत, खेल से दिल लगी। वेलकम टू स्पोर्ट्स जिंदगी। अक्सर हम कहते हैं नथिंग कैन राइवल द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। स्पोर्ट, स्पोर्ट इज अ ग्रेट मेटाफोर। लुक एट द इमोशंस दैट स्पोर्ट गिव्स अस। सस्पेंस, एक्शन, ड्रामा, जॉय, यूफोरिया ऑफ अ विन, ग्लूम ऑफ अ लॉस। मगर इस ग्लूम ने, जो कि कोरोना हमारी जिंदगी में आया, हमें झकझोर के रख दिया। मगर हम हार मानने वाले तो है नहीं, आपको मालूम है। तो हम फिर से उसी स्पिरिट के साथ वापस है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सम सीरियस लाइव इवेंट्स। पहले आपको बता दें कि पहले तो ओलंपिक्स पोस्टपोन हुए, फिर आईपीएल पोस्टपोन हुए, टी20 वर्ल्ड कप होगा कि नहीं हमें मालूम नहीं। आज उस पर रोशनी डालने के लिए स्पोर्ट्स जिंदगी अपना पहला कदम लेने जा रहा है, मगर आपके सपोर्ट के बिना अधूरा होगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए कौन आ रहे हैं शो पर, इनफैक्ट आपको बता दें, टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा हमारे साथ हैं, फॉर्मर वॉलीबॉल प्लेयर और बेहतरीन कमेंटेटर नीति रावत हमारे साथ हैं, जाने माने रेसलर और अर्जुन अवॉर्डी कृपाशंकर बिश्नोई जी हमारे साथ हैं, और हॉकी के बेजोड़ फॉरवर्ड और ओलंपियन समीर दात हमारे साथ हैं। शुरुआत करेंगे हम उनसे जो कि फॉर्मर क्रिकेटर भी रह चुके, जो कि नेशनल सेलेक्टर रह चुके हैं, जो कि ICA के अब प्रेसिडेंट भी हैं। स्वागत अशोक मल्होत्रा। पाजी, लॉकडाउन में वजन बढ़ा कि घटा? निश्चित रूप से मोटापा कंट्रोल करना आसान नहीं है लॉकडाउन के जी, लेकिन फिर भी तो मेरा सवाल पहला पाजी आपसे ये, T20 वर्ल्ड कप तो टलता दिखाई दे रहा है, पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं उसे देखकर लगता है कि दादा IPL इस साल करा के ही मानेंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि IPL होने की मेरे को ऐसा लगता है कि पूरी संभावना। मेरी कुछ दिन पहले दादा से भी बात हो रही थी, सौरव गांगुली से बात हो रही थी, उनका भी मानना है कि IPL होगा ही। अब कहाँ होता है ये देखने वाली बात है। हालांकि दादा का मानना है कि शायद भारत में होने की संभावना है, पर मेरे को ना जाने क्यों लग रहा है कि विदेश में होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि भारत में होता है तो कोई ना कोई PIL दाखिल कर देगा जिसके चलते टूर्नामेंट कराने में सुविधा हो सकती है, क्योंकि जिस तरह कोरोना वायरस हमारे देश में फैला हुआ है। जी हाँ, बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। और समीर, आप पर मैं आऊंगा, और हमेशा कहते हैं खेल पसीने में नहलाता भी और मन बहलाता भी है। प्लेयर जब वापस मैदान पर उतरेंगे समीर, तो कितना आसान होगा वो पीक फिटनेस दोबारा पाना? यकीनन अगर कोई भी प्लेयर 2-3 महीना दूर रहता है फील्ड से तो फिटनेस तो उसकी कम होती है, लेकिन जहाँ तक नेशनल कैंप का सवाल है, ओलंपिक की तैयारी है और जो भी ब्रेक होते हैं छोटे, तो उसमें जो ब्रेक के लिए जो घर जाते हैं प्लेयर, तो उनको तैयारी के लिए पूरा प्रोग्राम दिया जाता है। हालांकि ये महामारी जो कोरोना वायरस था, इसमें सारे ग्राउंड, सारी फील्ड सब कुछ बंद था, लेकिन फिर भी घर पे थोड़ा सा मुश्किल होता है खिलाड़ियों के लिए। अच्छी बात यह है कि कैंप फिर से स्टार्ट हुआ है और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे अपनी पुरानी जो फिटनेस है, जो लास्ट कैंप में या जो भी लास्ट मैचेस खेले हैं, जो फिटनेस है वो फिर से बरकरार करके और फिर से आगे के लिए तैयारी करेंगे खिलाड़ी। जी हाँ, और अब अपने तीसरे मेहमान से आप सबको अवगत करा दें, बहुत बढ़िया बेहतरीन हिंदी कमेंटेटर है, वन ऑफ द बेस्ट वॉइसेस दैट वी हैव इन हिंदी कमेंट्री इन इंडिया, बेहतरीन वॉलीबॉल प्लेयर हैं, जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी खूबसूरत कमेंट्री भी करती हैं। नीति रावत, यही सवाल आपके पास मैं फेंक रहा हूँ कि जो समीर ने कहा किस तरीके से वापस मैदान पर जवाब आते हैं, घर में बैठ के स्कीपिंग करना, सिटअप्स लगाना, योगा करना, इज अ डिफरेंट बॉल गेम। मैदान पर जब आप आते हैं तो इट रियली टेक्स टाइम टू कम बैक टू दैट पीक फॉर्म। बिल्कुल पैटी, बहुत टाइम लगेगा किसी भी प्लेयर को वापस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि जो फील्ड की प्रैक्टिस होती है उसका जो सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है घर पर फिटनेस मेंटेन करने के जैसा। क्योंकि घर पे आप अपनी कंडीशनिंग कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथिंग कर सकते हैं, आप बाकी के फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन जो फील्ड में एक बॉल के साथ में या किसी भी इक्विपमेंट के साथ में जो टच होता है वो टच आपका ऑटोमेटिकली मिस हो जाता है। ऑपोजिशन के साथ खेलना है, उस तरीके के जो सिस्टम में जो प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस आपकी मिस होती है। तो कहीं ना कहीं आप फिटनेस मेंटेन जरूर कर लेते हैं घर पर थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करके, लेकिन जो फील्ड पर खेलने का जो टेक्निक है, वो जो बेसिक्स है, वो आप जरूर मिस करेंगे। और मुझे लगता है कि एज अ बिकॉज फिजिकल एजुकेशन से मैं जुड़ी हूँ, स्पोर्ट्स साइंसेस के बारे में थैंक यू सो मच, ये कॉम्प्लीमेंट है, बट मुझे लगता है कि प्लेयर्स जब वापस आएंगे मैदान पर तो एकदम से गियर अप करना बहुत ही मुश्किल होगा और ऐसे सिचुएशन में इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो प्लेयर्स को धीरे धीरे, स्लोली स्टेडिली फील्ड पर आना होगा, धीरे धीरे अपनी फिटनेस के जो उनके चैनल्स हैं उनको गियर अप करना होगा, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, और फिर आखिर में पेस पकड़नी होगी, जो ऑन एन एवरेज कहते हैं कि 3 मंथ्स का टाइम एक प्लेयर को अपनी ओरिजिनल
फेज में और अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस तक पहुंचने में लग जाएगा। तो थोड़ी सी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा प्लेयर्स को, लेकिन हम उम्मीद यही करेंगे कि सभी प्लेयर्स वापस फील्ड में जरूर नजर आए। जी हां, और एक खिलाड़ी हैं जो घर पर बड़े फिट रहे हैं, और आपने मुश्किलात का जिक्र किया नीति, कृपा शंकर की जेल मुश्किलात कोई वर्ड है ही नहीं, क्योंकि भारत के लिए, भारत का नेतृत्व किया उन्होंने, भारत के लिए बेहतरीन कारनामे किए, अच्छा खेले, अर्जुन अवार्डी हैं। कृपा शंकर जी, आपसे मेरा पहला सवाल सिर्फ ये होने वाला है कि क्योंकि आपका खेल है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, पकड़ कर टच कर कर, तो कितना आसान होगा कुश्ती को दोबारा जल्दी से शुरू करना? प्रैक्टिकली अगर आप सोचते हैं और देखते हैं तो बताइए कितना रियल है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि कुश्ती अभी शुरुआत करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि भारतीय खेल प्राधिकरण ने भी अभी एक गाइडलाइन पहलवानों के लिए जारी की है कि सभी पहलवान बॉडी कॉन्टेक्ट गेम है और आपस में एक दूसरे से दूर रहकर ट्रेनिंग करें, यानी फिजिकल फिटनेस का करें। अगर आपको कुश्ती का अभ्यास करना भी है तो आप डम्मी के साथ कुश्ती का अभ्यास करें। डम्मी यानी कि एक ऐसा पुतला जो प्रतिरोध क्षमता नहीं लगाता है, आपस में धकाना, खींचना, गिरना, गिराना, बॉडी को सुकड़ाना, फैलाना। कुश्ती एक अलग तरह का स्पोर्ट्स है। दोनों ही पहलवान आपस में एक दूसरे के जॉइंट को जिस तरफ नहीं मुड़ता है उस तरफ मोड़ने का प्रयास करते हैं, तब एक पहलवान की पकड़ ढीली होती है और एक विशेष अवस्था में गिराकर अंक बटोरे जाते हैं। तो बगैर साजो सामान के एक दूसरे के शरीर से खेलना होता है, तो बहुत नजदीक जाके खेलना होता है, चिपक के खेलना होता है। तो संभव नहीं है कि कुश्ती इतनी जल्दी शुरुआत हो जाए, लेकिन डम्मी के साथ अगर हम ट्रेनिंग करें तो वो भी सार्थक साबित नहीं होगा, उपलब्धि बढ़ाने वाला काम नहीं है। क्योंकि छोटे लेवल पर जब बच्चे शुरुआत करते हैं, ग्रास लेवल पर एक स्टार्टिंग पॉइंट उनका जब होता है, जब उनको खतरनाक टेक्निक लगाने के लिए डमी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि गर्दन के बल गिराना है, पीठ के बल गिराना है, तो चोट भी लगेगी तो डमी को चोट नहीं लगेगी। तो छोटे बच्चे एक दूसरे को आपस में गिराने का प्रयास जब करते हैं सीखने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट, कोई भी चैंपियन पहलवान, सीनियर पहलवान डम्मी के साथ ट्रेनिंग नहीं करता है। बहुत थोड़े समय के लिए कुछ विशेष टेक्निक लगाने के लिए जरूर करते हैं। मेरा छोटा सवाल आपसे अभी है, जो कि आपने जिक्र भी कर दिया किस तरीके से कब चेंज हुई है रेसलिंग, तब से लेकर जब आप खेलते थे अब तक, क्या सही मायने में हम वहां पर पहुंच गए हैं कि कुश्ती में हम कह सकते हैं कि इंडिया एक मेजर फोर्स है आज के दिन? जी हाँ, भारतीय कुश्ती में अभी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। पहले जो हमारे पहलवानों में, विदेशी पहलवानों का जो हवा था वो अब हमारे पहलवानों में निकल गया है। पहले कुश्तियाँ होती थी जब 2000 सन 2000 के पहले की बात है, जब पहलवानों की ईरानी या जापानीज पहलवानों से कुश्ती आती थी तो वो कामना करते थे कि हमारे ग्रुप में ये पहलवान या ये कंट्री ना आए। लेकिन अब जापानीज और ईरानी पहलवान ये इस फिराक में रहते हैं कि भारतीय पहलवान से हमारा पहला मुकाबला ना हो, तो ये बदलाव आया है। और दंगल में तो आपने आमिर खान को भी सिखा दी कुश्ती। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आमिर खान फातिमा सना से जायरा वसीम, सुहानी भटनागर और सानिया मल्होत्रा, ये किरदार थे जिन्होंने गीता बबीता और महावीर फोगाट का रोल प्ले किया है। और इनको तैयार करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, कुश्ती बगैर साजो सामान के एक दूसरे के शरीर से खेलते हैं, तो एक विशेष अवस्था में खिलाड़ी बॉडी को सुकड़ाता, फैलाता, खींचना, धकाना, गिरना, गिराना अलग तरह का इवेंट है। तो इसके लिए उन्होंने एक साल तक पहलवानी जीवन जिया है, वही डाइट ली है पहलवानों की तरह, और एक साल में जब उनमें निपुणता आ गई हर टेक्निक को लगाने के लिए, उसके बाद कुश्ती की जो शूटिंग थी फिल्म की वो शुरू की गई। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सर सो मच। समीर, आपके वापस आएंगे, आप बात कर रहे थे जब मैंने आपसे पहला सवाल पूछा, बैंगलोर में कैंप शुरू हो चुका है, प्लेयर्स को कोई खौफ है? आप निश्चित तौर पर आपकी बात हुई होगी, किस तरीके का मानसिक संतुलन है इस समय खिलाड़ियों का? देखिए, यकीनन ये जो बीमारी है ये तो किसी को भी पकड़ सकती है, लेकिन जो कैंप स्टार्ट हुआ है वो पूरी सिक्योरिटी मेजर को के साथ स्टार्ट हुआ है। साई और हॉकी इंडिया ने पूरी उसको सैनिटाइज कर रही है ग्राउंड को, रोज प्रैक्टिस के बाद और प्रैक्टिस से पहले उसको सैनिटाइज किया जाता है, प्लेयर्स का टेम्परेचर लिया जाता है, और ट्रेनिंग भी जो की जा रही है वो बेसिक स्किल पे की जा रही है, जो कि आप फिजिकल टच में किसी के एक दूसरे के नहीं आते। बेसिक ट्रेनिंग में जो
चीज़ें होती हैं वो हिटिंग होती है तो आप दूर से एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, पुशिंग होती है जो दूर से कर सकते हैं, या स्कूपिंग होती है। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि प्लेयर डरते तो सभी हैं लेकिन प्लेयर थोड़ा सा अलग होता है और वो खेल की जो दीवानगी उनकी होती है वो मुझे नहीं लगता कि ये बीमारी उस पर कुछ भी असर करेगी। हाँ ये ज़रूर है कि हॉकी इंडिया और साई उस पर पूरा अपना देख रही है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के साथ ट्रेनिंग करा रही है और ऑफिशियल्स जो हैं वो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि प्लेयर ज़्यादा कॉन्टेक्ट में नहीं आए एक दूसरे के, जिससे ये बीमारी का किसी को भी डर हो। जी हम इंशाल्लाह दुआ करते हैं और जल्दी से जल्दी वापस खेला। नीति वापस आपके पास आएंगे वॉलीबॉल को, वापस उसका एक्शन जल्दी शुरू हो, कब देखेंगे? पैडी थोड़ी सी अभी वॉलीबॉल के वापस आने की इतनी बड़ी उम्मीदें नजर नहीं आ रही हैं। 13 मई को जब FIVB ने लास्ट कैलेंडर इशू किया था तब उनका मानना था कि वो इस साल वॉलीबॉल की नेशंस लीग करा सकते हैं, उसके अलावा कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप करा सकते हैं। लेकिन वॉलीबॉल भी जिस तरीके का खेल है, आप बिना स्पेक्टेटर्स गैलरी के इतने बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को कंडक्ट करना आसान नहीं होगा। और वॉलीबॉल में भी जिस तरह से गाइडलाइंस आई हैं कि प्लेयर्स के बीच में 6 फीट की डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए, तो वो थोड़ी सी मुश्किल नज़र आती है क्योंकि 18x9 मीटर्स के कोर्ट के अंदर 12 प्लेयर्स का खड़ा रहना और उसके अलावा बेंच पर 12 प्लेयर्स के और होना, ये थोड़ा सा टफ सिचुएशन है, बड़ा टास्क है, बड़ा चैलेंज है FIVB के लिए। उसके बावजूद उम्मीद ये है फिलहाल के लिए कि इस महीने के अंत तक वॉलीबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल वॉलीबॉल जो है वो अपना कोई ना कोई कैलेंडर इशू जरूर करेंगे। बीच वॉलीबॉल के लिए खुशखबर आए ना आए, लेकिन वॉलीबॉल के लिए सितंबर अक्टूबर तक उम्मीद है कि नेशंस लीग, जो अलग अलग नेशंस है वो अपनी अपनी डोमेस्टिक लीग्स को शुरू कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी बड़े डिसीजंस अभी नहीं लिए गए हैं, लेकिन FIVB दिन रात मेहनत कर रही है, बहुत विग्रसली काम कर रही है कि वॉलीबॉल एक्शन को भी जल्द से जल्द। नीति मुझे मालूम है आप वैसे तो लड्डू नहीं खाते हैं बिकॉज आप कैलोरी कॉन्शियस हैं, मगर मैं जरूर कहूंगा आपके मुंह में घी शक्कर और लड्डू भी। आपने इतनी अच्छी एक खबर सुनाई है कि उम्मीद है जल्दी से एक्शन शुरू होगा। हमने शो का एक्शन शुरू किया था फॉर्मर टेस्ट प्लेयर के साथ और शो का अंत भी करेंगे उनके आखिरी कमेंट के साथ। अशोक पाजी वापस आपके पास आएंगे, अक्टूबर में क्या होगा, T20 वर्ल्ड कप या IPL? अगर आप वर्ल्ड कप और IPL की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरे वर्ल्ड कप मेरे को ऐसा लग रहा है कि ICC शायद कैंसिल करने वाले हैं। वैसे भी विदेशों ने अभी तक अपने सीमाओं के सीमाएं खोली नहीं हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलिया का जुलाई में उनके प्रधानमंत्री ने कहा है कि 10,000 दर्शकों के साथ मैच खेल सकते हैं, लेकिन मेरे को अभी भी लग रहा है कि ना होने की संभावना। IPL निश्चित रूप से होगा क्योंकि IPL एक ऐसा खेल है, ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें देश विदेश से खिलाड़ी आते हैं और काफ़ी पॉपुलर है और कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, लगभग वही संभावना। और फिर जहाँ माल है वहाँ ताल है, सबसे बड़ी बात, और जितना माल IPL में और कहीं भी नहीं है। और BCCI को शायद जो वर्ल्ड कप की जो विंडो है वो शायद ICC BCCI को देने वाली है, जिसके चलते IPL होने की पूरी संभावना है। और मेरे को कोई शक शुबा नहीं कि वर्ल्ड कप 2020 इस साल नहीं है, IPL निश्चित रूप से होगा और हो के रहेगा। थैंक यू सो मच अशोक पाजी और थैंक यू टू ऑल द गेस्ट ऑल्सो, और आप सबको मैं हमेशा थैंक यू कहूंगा, मगर आप ऑडियंसिस को मैं कहना चाहूंगा ये थी हमारी पहली पेशकश। उम्मीद करते हैं कि आपको स्पोर्ट्स जिंदगी की पहली प्रस्तुति जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो वी लुक फॉरवर्ड टू योर व्यूज, कॉमेंट्स, सजेशंस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए भाई, वी विल लुक फॉरवर्ड टू योर व्यूज, कॉमेंट्स एंड सजेशंस, sportszindagi@gmail.com। मैं सिर्फ यही कहूंगा जाते जाते कि धूम मचेगी फिर, मस्ती चढ़ेगी फिर, डंका बजेगा फिर, रौनक लगेगी फिर, खेलेगा फिर से इंडिया, स्पोर्ट्स जिंदगी फिर लौटेगा एक और बेहतरीन प्रोग्राम के साथ। आज के हमारे गेस्ट को बहुत शुक्रिया, एंड कीप स्माइलिंग, इट इंक्रीजेस योर फेस वैल्यू।